सो फाइनली दोस्तों, मैंने सोनी वेगास प्रो सीरीज़ जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी, तो मैंने उसे स्टार्ट कर दी है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी वीडियो पे वेव इफेक्ट जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एनिमेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सोनी वेगास प्रो ओपन कर लीजिए। मेरे पास जो है यहाँ पे 14 है, सोनी वेगास प्रो 14, 15 मैंने अभी तक नहीं लिया है। तो अगर आपके पास 13 है तो उसके अंदर भी ये सेम वर्क करेगा, क्योंकि सभी फीचर्स सेम ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना एक वीडियो जो है वो ड्रैग किया है वर्किंग एरिया के अंदर। तो आप यहाँ पे अपना कोई भी वीडियो ले सकते हैं जिस पे आपको वेव इफेक्ट जो है अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको जाना है वीडियो एफेक्ट्स के अंदर, ये रहा टेब वीडियो एफेक्ट्स, और यहाँ पे आपको जो है फाइंड आउट करना है वेव। वो आपको ऑल के अंदर, ऑल फोल्डर के अंदर जो है आपको मिल जाएगा, सबसे जो है लास्ट में, सेकंड लास्ट है वेव। उसको आपको पकड़ के ड्रैग करना है वीडियो के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो के ऊपर जो है वेव इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें जो है यहाँ पे सेट करना है हॉरिजॉन्टल वेव्स को, आपको यहाँ पे सेट करना है करीबन 2000 अगर आप कर लेंगे, या फिर 2400 कर लेंगे तो भी इनफ होगा। आप 2500 भी कर लोगे तो काफ़ी इनफ होगा। जैसे कि मैंने ये कर लिया है 2660, विच इज़ इनफ। और फिर हमें जो है यहाँ पे करना है हॉरिजॉन्टल एम्पलीट्यूड को जो है चेंज करना है। यहाँ पे आप करीबन 150 या फिर 200 ले लो, मैं यहाँ पे जो है 160, 161 ले लेता हूँ। आप ले सकते हो 160 वगैरह, जो भी आप जितना भी आप जो है वेव को मोशन देना चाहते हैं उतना। ठीक है, अब ये तो हो गई। अगर हम मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, यानी कि जो वेव का जो शेप बन चुका है वो वीडियो, पूरे वीडियो के अंदर सेम रहेगा, और वो एनिमेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो एनिमेशन के लिए आपको सिंपली वही है कि यहाँ पे जो आपको नीचे बटन मिलता है एनिमेट का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, पहले मैं वीडियो को जो है स्टार्टिंग से कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं एनिमेट पे क्लिक करता हूँ। एनिमेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है एनिमेशन के लिए, वो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो है अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद में हमें, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, जैसे कि 4 सेकंड पे जो है मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। और उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल फेज है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, उसको मैं पूरा हाई कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर इसमें को इस विंडो को क्लोज करता हूँ। उसके बाद मैं प्ले करता हूँ वीडियो को। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेव है वो पूरी तरह से मोशन कर रही है। अब जो मैंने जहाँ पे उसे सेट किया था एनिमेशन को 4 सेकंड पे, तो वहाँ पे आके ये रुक जाती है, तो मैं उसे फुल कर सकता हूँ। तो फिर से मैं उसी VFX इवेंट एफेक्ट्स के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे जो है ये जो लास्ट पॉइंट है उसे मैं ले जाके सबसे लास्ट में, यानी कि वीडियो के एंड में कर लेता हूँ। इससे होगा क्या कि जो एनिमेशन होगा वो पूरे वीडियो के अंदर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और जैसे कि मैंने फॉलो किया है तो वैसे ही आपको फॉलो करना है जो भी आपका वीडियो है। ठीक है, तो इस विंडो को क्लोज करो, और फिर वीडियो को जो है हम प्ले करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनिमेशन है वो स्लोली हो रहा है, और जो वेव है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है, और वीडियो के एंड तक ये फ्लो करेगी। तो ऐसे जो है आप कोई भी वेव इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आपकी किसी भी वीडियो के ऊपर। ओके, तो अब आती है इंटरेस्टिंग चीज़। मैं यहाँ पे क्लिक करके एक नया वीडियो ट्रैक ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट मीडिया जो है, यानी कि एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सैम्पल टेक्स्ट को हटा के, हेलो, या फिर मैं लिख लेता हूँ वेव इफेक्ट। ओके, इस टेक्स्ट को आप जो है पूरे वीडियो तक जो है आप इसको कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस वीडियो पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद में हमें यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, उसके बाद में हमें टेक्स्ट वाले लेयर यानी कि टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, और हमें पेस्ट इवेंट एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है उसने भी वेव का जो है शेप ले लिया है, जैसे कि वीडियो पे था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को फिर से प्ले करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट और जो वीडियो है वो एक ही फ्लो के अंदर, वेव के अंदर जो है चल रहे हैं। तो ऐसे जो है आप वेव इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर। और आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और आप अपनी कोई भी राय है, या फिर आपको किस टॉपिक पे ट्यूटोरियल चाहिए वेगस प्रो के अंदर, तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ताकि मैं उस पर वर्क करके, काम करके जो है जो भी मैं वीकली वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो भी मैं अपलोड कर दूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।